सुप्रभात दोस्तों, अनदर ब्यूटीफुल डे, अनदर लाइफ टाइम एक्सपीरियंसेस टू बी शेयर्ड विद यू। एंड दिस इज दैट टाइम ऑफ द ईयर व्हेन इन इंडिया इट वाज समर्स। यस, यू नो दैट एंड वी ऑल नो, बट इट इज एक्सट्रीम टेम्परेचर्स नाउडेज बिकॉज नाउ द समर्स हैव गॉन फ्रॉम अर्ली 30s टू लेट 40s इन डिग्री सेंटीग्रेड, which earlier used to be never the norm, at least not in March and April, but now it has been because the global warming is taking its toll and having the impact at every, not only one, but every nook and corner of the society. So this is the reason that most of the things are not up to the mark, and whenever you see it is really hot. Not only hot, it is imperative that you just see the impact which is there on the degrees centigrade which is there with people and the heat waves which it throws. तो ये ज़िंदगी का सार है कि हाँ, ये सारी चीज़ें अति आवश्यक तो हैं ही, लेकिन अति आवश्यक होने के साथ साथ ये आपको एक मजबूती, स्टेबिलिटी, एक स्थिरता देती हैं ज़िंदगी में। हाँ, गर्मी इतनी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी चीज़ आपकी इस लेवल पे हो तो वो आपको सिखा के जाती है, समझा के जाती है, रवा के जाती है, तो उससे आपको ये पता चल जाता है कि हाँ, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको कहीं ना कहीं एकदम फ्रेश पुष्ट रखेंगी, और फ्रेश पुष्ट रखने के साथ साथ ये अपना काम करती रहेंगी। तो ये आपको समझना है, ये इम्पॉर्टेंट है, एंड नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वाइटल दैट द टेम्परेचर्स कीप ऑन सोरिंग, और वो उसके बाद आपका चलता जाएगा, टेम्परेचर्स का एनवायरनमेंट आपका यहाँ पे होता रहेगा। तो ये एक इम्पैक्ट है जो सीज़न का टेम्परेचर्स का इन चीज़ों पर आ रहा है, और ये धीरे धीरे जो है कम होगा, but it will be not until the Q4 that we see that respite. So abhi hum Q2 mein baithe hain, Q3 pura garam hone wala hai, ya at least majority of it, kyunki global warming kab kya ghuma de, kaise ho jaye, kisi ko kabhi kaano kaan khabar bhi nahi hogi, but ha, ye ho raha hai, hota hai, aur global warming usko pura impact deti hai, to ye aap thoda sa tawajjuh rakhte hue देखें। और हाँ, ये चीज़ें जो हैं चलती रहेंगी, स्थाई अस्थाई, और आपको बहुत जल्दी इनके लाभ भी मिल पाएंगे, यानी कि आपकी लाइफ में जो स्टेबिलिटी, जो एकदम ठहराव झुकाव आएगा, वो बहुत जल्दी आपको सिखा जाएगा। तो ये आप करें और इसी से समझें, संजोएं, ये जो चीज़ें हैं ये ज़्यादा देर नहीं चलती, बट आप एक बार सीख जाएँ तो पूरी ज़िंदगी चल जाता है, यानी कि इवन दो टफ टाइम्स डोंट लास्ट बट टफ पीपल डू। तो आप ये करें और लास्टिंग इम्प्रेशन एक बनाएं, और ये देख लें कि ये लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, ये सब आपको करना है, और जब आप ये करेंगे तभी आप ये मिल पाएंगे कहीं, और हमें तवज्जो देते हुए, और हम आपको देख के इसका एक नज़रिया पेश कर पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, और बेल आइकन दबाइएगा। खुदा हाफिज़। सब बात है।